अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इधर अरबी पढ़ाने का मौका मिला तो इधर आकर इस बात का एहसास हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तरह की क्लासेस का जो इंतज़ाम है वो करते रहना चाहिए, जिससे अवाम को और उलमा की आपस में रब्त पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। और कोई स्टूडेंट्स में से अगर आना चाहे तो उसको दावत दी जाती है कि माशाल्लाह इमरान भाई ने बहुत अच्छा हमें बताया कि उनको क्या फ़ायदा हुआ। अगर और भी कोई आना चाहे तो उसको भी दावत दी जाती है कि वो आए और आके अपने एहसासात का इजहार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुत्ती रसूल है, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करता हूँ। तो बाकी जो है मेरे जो कॉन्सेप्ट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पहले से क्लियर थे, कहीं कहीं पे कोई थी जो कमी कोताही थी, कुछ जो है अशकालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास के बारे में मुझे पता लगा तो मैंने इसको ज्वाइन किया था। तो अभी जो है यही को 5-6 माह का टाइम जो है वो निकाल के इसको संडे इतवार वाले दिन की क्लासेस अटेंड की। तो अभी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी अरबी को थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती थी। तो वो उस क्लास को पढ़ने के बाद ये कि हमें अभी पढ़ के ये पढ़ने से ये पता लग सकता है कि ये क्या कहा जा रहा है और किस बारे में कहा जा रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अभी वो इंशाल्लाह आगे फर्दर उसको जारी रखेंगे। तो दूसरी बात, जिस तरह अब हमारे उस्ताद ने कही कि इस तरह की क्लासेस के इनाकात का फ़ायदा एक तो ये है कि हमारा जो है आम आवाम का उलमा के बारे में जो एक अश्काल पाया जाता है, एक थोड़ा सा क्या कहेंगे इंग्लिश में, दूरी पाई जाती है, हम महंगी जो है एक वो पैदा होगी। उससे हमें ये एक चीज़ फ़र्क ख़त्म हो जाएगा कि उलमा एक ऐसी ज़िंदगी में रहते हैं जो पता नहीं हम उस तक पहुंच नहीं सकते, या वो कुछ ऐसा दी इलम है जो कि हासिल करना जो है सिर्फ उन्हीं का फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ नहीं। उसके ऊपर अमल करना उनका फ़र्ज़ है, हमारा नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि वो आलम है, चलो कोई भी मुश्किल है तो चलो उसे पता है, दीन का सिर्फ उसी के लिए है। हम आम इंसान जो है वो हम समझते हैं कि पता नहीं हम उसे मुबर्रा हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसको हासिल करने का सबसे मेन जो है फ़र्क वो यही है कि हमें उन बेसिक चीज़ों के बारे में, बेसिक नॉलेज जो है वो हासिल हुआ ज़्यादा डीप में, कि क्या करना है, किस तरह करना है, और हुज़ूर पाक सल्लम का क्या तरीका है उसके बारे में, और हुज़ूर पाक सल्लम की क्या सुन्नत है। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है जो हमारी ज़िंदगियों में आया। बाकी अल्लाह जो है हमें दीन के साथ जुड़ने की तौफीक ज़्यादा अता फरमाए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।